नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, और इस वीडियो के साथ ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट कोर्स, जो कि बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें मैं चैप्टर वाइज स्टडी कराऊंगा एज पर CBSE सिलेबस। सारे टॉपिक्स को पूरे से कवर किया जाएगा, और टॉपिक्स को कवर करने के बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उन पे भी फोकस किया जाएगा। और एक दफ़े इस कोर्स को जो कंप्लीट कर लेगा उसको बिजनेस स्टडीज़ में कोई समस्या नहीं रहेगी, हाई स्कोर भी हो जाएगा, और साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़िया से कर पाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पहले सारे चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स को जान लेना, मेन टॉपिक्स को समझ लेना, जिससे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। या तो आप अपने से नोट्स बना के उनकी तैयारी कर लें, या मेरे वीडियोस को देख लें, तो उससे आपको जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक्स के वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपके लिए किसी भी क्वेश्चन को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को करना एक बहुत ही सरल काम हो जाएगा। और ये कोर्स मैं खास तौर से तैयार कर रहा हूँ या चला रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय किशनगंज के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। हालांकि इससे बेनिफिट सभी को मिल सकता है, कोई भी देख सकता है। यूट्यूब चैनल पे कोर्स है तो ऑल इंडिया तक इसकी रीच है। जहाँ भी 12th क्लास के जो विद्यार्थी हैं बिजनेस स्टडीज़ के, वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट में हम स्टडी करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट के मीनिंग को समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं मार्केट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि मार्केट किसे कहते हैं। मार्केट के दो कॉन्सेप्ट हैं, दो व्यूज़ हैं। एक है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है वो पुराना कॉन्सेप्ट है, उसमें हम मार्केट का मतलब किसी एक प्लेस से समझते हैं, किसी एक जगह से समझते हैं। जैसे कनॉट प्लेस की मार्केट, लाजपत नगर की मार्केट, तो ये जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है ये पुराना है और किसी एरिया से रिलेट करता है। जबकि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मार्केट का, वो किसी प्लेस से या किसी एरिया से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मार्केट का वो कहता है कि भाई मार्केट मार्केट जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है बायर्स का और सेलर्स का। बायर्स और सेलर्स जहाँ पे मिलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको मार्केट माना जा सकता है। और उसके लिए किसी निश्चित जगह का या प्लेस का होना कोई ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन भी सेल परचेज किया जा सकता है। तो इसलिए मार्केट का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे कि मार्केट के मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको मिक्स करके ही मार्केट बोला जाता है किसी पर्टिकुलर। जैसे अगर हम कहते हैं शुगर मार्केट, तो शुगर के प्रोड्यूसर, शुगर के सेलर और शुगर के बायर, वो शुगर मार्केट हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ये फाइनेंशियल मार्केट इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स एंड फंड रेजर्स। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो मिलकर के बनता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज से, इन्वेस्टर्स से और फंड रेजर्स से। यानी कि इन तीनों चीज़ों को मिला दें तो उनको मिक्स तौर पे बोल सकते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट। अब इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज किसको कहते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कहते हैं ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को जिसके माध्यम से जिसको फंड की ज़रूरत है वो फंड रेज कर सके, और जिसके पास फंड सरप्लस है वो इन्वेस्ट कर सके। जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है वो इनको बेच करके पैसा ले सकते हैं, और जिनके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बचा हुआ है वो अपने पैसे को बचत के रूप में जमा कर सकते हैं और उस पर इनकम अर्न कर सकते हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है उन लोगों से, उन पार्टी से
जिनके पास सरप्लस होता है, बचत होती है, और उस बचत को वो मार्केट में लगा करके उस पे कुछ इनकम अर्न करते हैं। इसके बाद है फंडरेजर्स। फंडरेजर कहते हैं उन लोगों को या उन संस्थाओं को जो मार्केट से फंड रेज करते हैं, पैसा बोरो करते हैं। जैसे एक कंपनी शेयर बेच करके मार्केट से पैसा लेती है अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो वो कंपनी फंड रेजर है। एक पर्सन है जो शेयर खरीदता है मार्केट से, पैसा अपना इन्वेस्ट करता है और इनकम कमाता है, वो इन्वेस्टर है। और एक शेयर है, वो सिक्योरिटी है। तो अब इन तीनों को मिक्स रूप में, इन तीनों के कम्बिनेशन को ही कहा जाएगा मार्केट। उसका किसी जगह से रिलेटेड नहीं है, जगह से कोई प्लेस से कोई रिलेशन नहीं है। और बड़े एरेना में जब देखते हैं, जैसे हम कहेंगे भारत का शेयर बाजार, इंडियन शेयर मार्केट, तो ये पूरे इंडिया की शेयर मार्केट हो गई। अब पूरे इंडिया के अंदर शेयर को बेचने वाले, शेयर को खरीदने वाले, ये सब मिलकर के इंडिया की शेयर मार्केट का हिस्सा होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो मार्केट है वो करता क्या है। इट क्रिएट्स फाइनेंशियल एसेट्स। ये फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करता है। फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करने का मतलब है कि फाइनेंशियल एसेट मतलब शेयर या डिवेंचर, वो क्रिएट होते हैं। मतलब कोई कंपनी शेयर या डिवेंचर बेचती है, जब फर्स्ट टाइम जब बेचते हैं शेयर्स को या डिवेंचर्स को, तो उनको क्रिएट करना कहते हैं। एंड प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सेल एंड परचेज देयर ऑफ। जो मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट, उसमें फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होती हैं और साथ ही साथ उनका सेल परचेज होता है। फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज रहती हैं और सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, मतलब सिक्योरिटीज का जो लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, वो इन्वेस्टर्स के और बोरोवर्स के बीच में। बोरोवर को फंडरेजर भी कहते हैं। ये वो पार्टी होती हैं जो सिक्योरिटीज को इशू करते हैं और इशू करके उससे फंड रेज करते हैं, पैसा लेते हैं। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं और इसके माध्यम से वो मार्केट को पैसा उधार देते हैं और उस पैसे पे उनको इनकम मिलती है। तो ये था फाइनेंशियल मार्केट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में ही पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एक ही बात है। और इनका मतलब होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे फंड रेज किया जा सकता है, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। इसके एग्जांपल्स हैं शेयर, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है मार्केट से जुड़ी हुई, इन्वेस्टर्स या सप्लाई साइड। देखिए, इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। इसमें शामिल किया जाता है फैमिलीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने बचत के पैसे को मार्केट में लगाते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, ये वो संस्थाएं हैं जो अपने सेविंग्स को, अपने फंड्स को मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इसको सप्लाई साइड कहा जाता है। फाइनेंशियल मार्केट के लिए इनको सप्लाई साइड किया जाता है क्योंकि ये फंड की सप्लाई करते हैं मार्केट में। नेक्स्ट है फंडरेजर्स या डिमांड साइड। फंडरेजर्स में शामिल किया जाता है बिजनेस को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, गवर्नमेंट एटसेट्रा। यानी कि वो संस्थाएं हैं या वो पर्संस हैं या वो पार्टीज हैं, वो एंटिटीज हैं जिनको फंड की ज़रूरत होती है। वो फाइनेंशियल मार्केट से फंड रेज करते हैं, यानी कि बोरो करते हैं, इसलिए इनको डिमांड साइड भी कहा जाता है। फाइनेंशियल मार्केट में जो फंड रेजर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्हीं के मध्य ट्रांजेक्शन्स होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक इसी में, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के मेन फंक्शंस, मेजर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट का ये एक मुख्य काम होता है कि ये सेविंग्स को मोबिलाइज कराता है,
सेविंग्स को मोबिलाइज कैसे कराता है कि सेविंग जिन लोगों के पास होती है, नौकरी पेशे वाले लोग या हाउस होल्ड या अन्य कोई भी काम करने वाले, इवन संस्थाएं, जब उनके पास पैसा बच जाता है, यानी कि इनकम अगर उनके पास बच ही रहती है उनके पास, तो वो सेविंग हो जाती है। अब वो सेविंग अगर उन्हीं के पास रहेगी तो वो आइडल हो जाएगी। तो ये मार्केट क्या करता है, ये एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि वो इस सेविंग को आइडल नहीं रहने देते, वो मार्केट होने की वजह से मार्केट में इसको इन्वेस्ट कर पाते हैं। इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, मोबिलाइजेशन हुआ सेविंग का, ये जो सेविंग से उनका क्या हुआ, मोबिलाइजेशन हुआ। साथ ही साथ चैनलाइजिंग देम इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस, चैनलाइजिंग देम यानी कि जो सेविंग्स हैं उनको मोबिलाइज करता है और साथ ही साथ उनको चैनलाइजिंग करता है मोर प्रोडक्टिव यूजेस में। मोर प्रोडक्टिव यूजेस का मतलब होता है जहाँ पे उसकी ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा जरूरत है। जैसे एक घरेलू व्यक्ति हाउस होल्ड जो पैसा बचा के रख लेते हैं अपने पास, उनके पास हो सकता है वो इतने फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव काम में यूज नहीं होगा, लेकिन जब उसको वो शेयर मार्केट में लगा देंगे या मनी मार्केट में लगा देंगे, फाइनेंशियल मार्केट के किसी भी पार्ट में लगा देंगे, तो वो पैसा पहुंचेगा उन लोगों के पास जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में फंड चैनलाइज हो जाता है। यूजलेस फाइनेंस लाइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश रीचेज टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। जो यूजलेस फाइनेंस होता है, जो बेकार पड़ा रहता है लोगों के पास में, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव यूजेस के लिए पहुंच जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी क्या होता है कि जैसे अगर मनी हमारे पास रखा है तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि ये मनी से मैं कितना अर्न कर सकता हूँ, ये पता नहीं चलेगा। मतलब कितना इंटरेस्ट मुझे लेना चाहिए उस पर, कितनी इनकम मांगनी चाहिए। लेकिन शेयर मार्केट है या मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, तो क्या है कि उस मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग होती है तो लोगों को पता रहता है। जैसे बैंक है, अब बैंक है तो लोगों को पता है कि भाई बैंक में पैसा जमा करेंगे तो 8% ब्याज मिलता है, 7% ब्याज मिलता है। इसके अलावा जब मार्केट में हम पैसे को लेके जाएंगे तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के द्वारा उस सिक्योरिटी की कीमत तय होगी, वहां से पता चलेगा कि प्राइस क्या है। तो इससे प्राइस की डिस्कवरी होती है, मतलब कीमत के बारे में पता चलता है। प्राइसेज ऑफ सिक्योरिटीज गेट अफेक्ट बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। सिक्योरिटीज के जो प्राइस होते हैं, शेयर के, डिवेंचर के, इन ये प्रभावित होते हैं डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से। अगर किसी पर्टिकुलर समय पर, यानी कि किसी खास समय में, अगर शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो नेचुरली उनका प्राइस भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी खास समय में मान लीजिए शेयर्स की जो डिमांड है वो कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए, ज़्यादातर लोग बेचने वाले हों शेयर्स को कि भाई बेचना है हमें, मार्केट से बाहर निकलना है, तो शेयर की कीमतें गिर जाएंगी। मतलब ये फैसिलिटेट करता है प्राइस डिस्कवरी को, प्राइस घटता बढ़ता है उसका बाजार एक कारण होता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। ये फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी भी देता है। अब बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल ऑल द टाइम। मार्केट होने की वजह से ये मार्केट का बेनिफिट रहता है, क्योंकि मार्केट है इसलिए मार्केट है तो हमेशा बायर और सेलर मार्केट में मिल ही जाते हैं। लोगों को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो केवल शेयर मार्केट में जाते हैं, मनी मार्केट में जाते हैं, कैपिटल मार्केट में जाते हैं और डीलर से संपर्क करते हैं। डीलर बायर्स और सेलर्स की मीटिंग करा देता है और आसानी से हम उसको सिक्योरिटी को जब चाहें उसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जब किसी फाइनेंशियल एसेट में, किसी फाइनेंशियल एसेट मतलब शेयर, डिवेंचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जब किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में ये क्वालिटी आ जाए कि उसको हम जब चाहे तुरंत बेच दें और कम से कम रिस्क पे, तो उस फीचर को, उस क्वालिटी को ही कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब किसी सामान की, किसी एसेट की वो फीचर होती है जो ये बताती है कि कितना जल्दी हम इस एसेट को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं बेच के, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ये सेव करता है टाइम को और मनी को ड्यू टू रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड मार्केट। देखिए अगर मार्केट नहीं होगा, अगर मार्केट नहीं होगा और हमें अगर सिक्योरिटी खरीदनी हो या सिक्योरिटी बेचनी हो, तो हमें बहुत सारी जानकारी जुटानी पड़ेगी, अलग अलग जगहों पर जाना होगा, पैसा खर्च होगा और हमारे हो सकता है जो हमारे एफर्ट हैं वो वेस्टफुल भी चले जाएँ बहुत सारे, क्योंकि हम पता करेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी है हमें बेचना है, तो ऐसे हमें डायरेक्ट कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केट है तो मार्केट होने से बेनिफिट क्या हुआ, किसी को कहीं नहीं घूमना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाती है, बस ऑनलाइन हमको बिड लगा देनी है, तो उससे क्या ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कम हो गई, समय भी बचा,
ऐसा होने से जो बचत होती है पूरे मार्केट में, सभी को इससे बेनिफिट होता है। तो ये फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मार्केट के मेजर फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के मेनली दो टाइप होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में तो अभी डिस्कस किया। फाइनेंशियल मार्केट कौन सी मार्केट को कहते हैं? जिस मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती हैं। अब ये फाइनेंशियल मार्केट दो हिस्सों में बट जाती है, मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में। जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती हैं, जबकि जो मनी मार्केट होती है इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब सामान्यतया इस संदर्भ में, फाइनेंशियल मार्केट के संदर्भ में, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज उनको कहा जाता है जिनका पीरियड 1 साल से 1 ईयर से ज्यादा होता है। जिनका पीरियड 1 ईयर से ज्यादा होता है उनको कहा जाता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, और जिनका लेस देन 1 ईयर होता है, जिनका पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है उनको माना जाता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ फाइनेंशियल मार्केट का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट। मनी मार्केट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है। सिक्योरिटीज इन दिस मार्केट आर ऑल्सो कॉल्ड नियर मनी। वो सिक्योरिटीज जो मनी मार्केट में बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि जो 1 ईयर से कम, जिनका पीरियड जनरली रहता है 1 ईयर से कम, 1 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकता है, ऐसी सिक्योरिटीज को नियर मनी भी कहा जाता है। नियर मनी इसीलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनको बहुत ही जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इनको नियर मनी भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो पीरियड होता है वो वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड होता है, यानी कि जल्दी ही मैच्योर हो जाती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है, मतलब जिनका पीरियड 1 साल से कम रहता है। तो उसमें मुख्य हैं ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल बिल। ये इसके मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में जल्दी ही मैं ये पूरा टॉपिक बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट करूँगा, इजी वे में आपको समझाऊँगा। साथ ही साथ जब ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड उनकी। और एक बार अगर आपने अच्छे से ये वीडियोस देख लिए तो आपको कभी भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी स्कोरिंग भी हाई रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।